हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो डब्स मैश की वीडियोस हर कोई बनाता है, लेकिन ये वीडियो हानी आमिर के लिए किस तरह से लकी साबित हुई और इससे उनकी किस्मत कैसे चमकी, मैं आज आपको ये बातें बताऊंगी। और इस दौरान उन्हें क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा मैं आपको ये भी बताऊंगी। हानी आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी उनके शोबिज में आने से। मम्मी बहुत क्लोज है तो मेरे लिए उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता था कि वो जो सोचती है वो होना। तो पहले थोड़ी नाराज हुई कि क्या असल में, तो पहले तो वो बहुत परेशान, फिर जब उन्होंने फिल्म आई, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्म देखी कि चलो अच्छा काम कर रही है, तो फिर वो थोड़ी अब सही हो गई। हानी आमिर को इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो बताती हैं कि वो सिर्फ अपने डब्स मैशेस और म्यूजिकली की वीडियो अपलोड करती थी। और अब ये जो मैं आपको डब्स मैश की वीडियो दिखा रही हूँ, ये वो वीडियो थी जिसे देखकर जनान मूवी के डायरेक्टर ने उनको अप्रोच किया। आई लव यू मीरा सुनिया, मैंने आज तक किसी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया। That question. Who dare let the dogs out? और इस मूवी को लेके लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त रहा। बहुत खुश हूँ मैं कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुल्क के लोग मुझसे, बाहर सारे लोग इतना पसंद कर रहे हैं, ऐसे भी लोग। मूवीज में आने के बाद हानी आमिर को लगा कि वो थोड़ी इस तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग करेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा मूवीज में कास्ट करेंगे। उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग में मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन लोगों को कुछ उनका ये रूप पसंद नहीं आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से इस चीज को लेकर अपोलोजाइज भी किया। नेवर वांटेड टू बी दैट वुमन, कि मुझे लोग बोले कि वो हानिया आमिर को देखते हो तो ऐसे कपड़े पहनती है, यू नो दैट कैंड ऑफ थिंग। सो बिकॉज़ ऑफ दैट आई फेल्ट बैड एंड आई अपोलोजाइज, लाइक ब्रो आई शुड हैव डन दैट लाइक इन माय इंटरव्यूज व्हाटएवर आई गिव। सो दैट वाज द ओनली थिंग। हानी आमिर बहुत ही चुलबुली सी लड़की है, वो लोगों को कॉपी भी बहुत अच्छा करती हैं। उन्होंने मीरा जी को कॉपी किया, मैं आपको उनकी वीडियो दिखाती हूँ। मीरा जी नहीं, शाह जी आप मुझे मारे हैं, आप मुझे मारे, आप मुझे जूतों से मारे, मैं बहुत बुरे इंसान हूँ। हानी आमिर वैसे तो बहुत सुपरहिट हो गई है, लेकिन उनकी एक आदत अच्छी ये है कि उन्होंने अपने पुराने फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो उनके साथ उसी तरह से गैदरिंग करती हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आपने फेमस होने के बाद अपने फ्रेंड्स बदले हैं या नहीं, तो उन्होंने ये कहा, वैसे ही है, जो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है, तो वो वैसे ही है। अगर मैं कभी कभी हाँ फलाना शूट है वहाँ जाना, वहाँ जाओ, चुप करके घर आ जाओ, ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, एक्ट्रेस तो वहीं पे होगी कराची में, अभी हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ मैकडॉनल्ड्स खाओ। हानी आमिर मूवीज में भी आ चुकी हैं, वो ड्रामो में भी आती हैं, वो मॉडलिंग भी करती हैं, वो अपने व्लॉग्स भी बनाती हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये चीज है कि मैं समझती हूँ कि मैं सब कर सकती हूँ। आप तो डायरेक्टर की बात नहीं सुनती हो ना, ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, सब कर सकती हूँ मैं, रोना नहीं, क्यों नहीं रोना, रोऊंगी मैं। सोशल मीडिया के थ्रू हानी आमिर के बॉयफ्रेंड का तो आप सबको पता चल ही गया होगा। उनकी एक डांस की रिसेंटली वीडियो वायरल हुई, उसमें वो और उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आप लोग शादी कब कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा, हम अभी बहुत छोटे हैं बच्चे यार, हम अभी एग्जैक्टली अभी तो मेरा पैक नहीं हो, अभी मैं कैसे शादी कर लूं, अभी तो उसके मिल्क की टीथ नहीं टूटे यार। हानी आमिर ने बहुत ही छोटी उम्र में इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उनके अंदर अभी भी काफी बचपना है। जब उनसे उनकी दो इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही। I'm scared of microwaves. Okay. जब मुझे वॉशिंग मशीन पे कपड़े धुल जाते तो एक म्यूजिक बजता है एंड आई डांस टू इट स्टैंडिंग इन माय किचन। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।